गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। रिपीट है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति माने किसी का नाम, मोहन, सीता, गीता। वस्तु मेज, कुर्सी। स्थान आगरा वगैरह। प्राणी ये हम लोग मनुष्य वगैरह, ये सब इनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, बोध मीन्स होता है ज्ञान, बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा समाज सेविका थी, तो मदर टेरेसा क्या थी? विशेष थी, तो क्या है, वो समाज सेविका थी। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये क्या चीज़ है? विशेष चीज़ है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी आपकी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि सब लोग हैं तो एक ही जाति के हैं, तो उसे क्या कि जातिवाचक व्यक्तियों का या वस्तुओं का या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है, शेर जंगल का राजा कहलाता है। दूसरा है, लड़की किताब पढ़ रही है, ये आपके क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में आ गया। फिर आपका भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण दोष अथवा अवस्था और भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम में बहुत मिठास है, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थी गुण दोष, अच्छाई या बुराई, अवस्था का और भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा या कहते हैं। इसी चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपको नोटबुक पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं। 2 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 3 क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बनते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको नोटबुक पे करना है, और उसके बाद में जो हमने फिगर टाइप में बनाया है, ये आपका टेस्ट है। ये टेस्ट आपको अपनी नोटबुक पे करना है, और जुलाई में स्कूल जो खुलेंगे तब आपका ये टेस्ट चेक होगा। इसमें दिया है, नीचे बने चार्ट को पूरा कीजिए तथा संज्ञा का अभ्यास कीजिए। इसमें चार्ट बनाया है, एक कॉलम में है 5 मित्रों के नाम, 2 में है उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम, 3 कॉलम में है उनके मनपसंद टीवी कार्यक्रम के नाम, और 4th पे है आपका उनके मनपसंद त्योहारों के नाम। ये आपका इतना जो क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट है, और इसको इसी तरीके से जैसे हमने फिगर बनाया है ऐसे ही कॉलम बना करके और आपको लिखना है। ये आपका टेस्ट पेपर है, और ये आपको जुलाई में रिटर्न सब चेक करवाना है। थैंक यू।